शंख बजाए जा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, और ये भगवा वस्त्र में मंत्रोच्चारण हो रहा है। कितना खूबसूरत ये दृश्य है, कितना अलौकिक और कितना अद्भुत ये संस्कृति है भारत की, और ये सनातन धर्म का परिचय है जो मंत्रोच्चारण के साथ है। और यहाँ पर आप इनके लिबास को देख सकते हैं, सब भगवा पहने हुए हैं और शंख बजा करके यहाँ राम के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए ये सनातन की जो पहचान है ये आप मंत्रोच्चारण के साथ देख सकते हैं। सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज में किसी भी पूजन विधि को शुरू करने से पहले मंत्रोच्चारण किया जाता है और शंखनाद किया जाता है। तो ये शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए, ये शंखनाद रामलला के आगमन के लिए, और ये शंखनाद अयोध्या की काया पलट होने के लिए है। ये शानदार दृश्य हम आपको लगातार अयोध्या में मौजूद रहकर दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा भव्य, मनोरम और खूबसूरत दृश्य अयोध्या का कभी नहीं दिखा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरीके से लोकगीत को गाया जा रहा है और मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। ये सनातन की पहचान है, सनातन में किसी भी पूजा विधि को करने से पहले शंखनाद बजाया जाता है। चलिए थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बताइए कि मंत्रोच्चारण जो किया जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किया जा रहा है। जी, ये जो मंत्रोच्चारण हम लोग कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी के आगमन के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं, और अभी मोदी जी एयरपोर्ट से निकल करके यहाँ आएंगे तो हम लोग वेद मंत्र से उनका स्वागत करेंगे और शंख वादन से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति यही कहती है भाई स्वागत तो तमाम तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो अयोध्या की मूल संस्कृति है, अयोध्या की तरह स्वागत होना चाहिए, वो है शंख वादन और वेद मंत्र। तो हम लोग वेद मंत्र और शंख वादन के साथ आज मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, और हम लोग जितने वैदिक विद्वान हैं यहाँ सब लोग खूब बढ़िया से मंत्र, हम लोग मूल अयोध्या के ही हैं, हम लोग कहीं से आए नहीं हैं जी, हम लोग यहीं के हैं और यहीं के रहने वाले हैं, हम लोग यहीं रह करके पढ़े हैं और यहीं रह भी रहे हैं, आगे यहीं रहने की इच्छा भी है। अयोध्या में रह रहे थे, रामलला आ गए और प्राण प्रतिष्ठा होगा, कैसा लग रहा है अयोध्या को राम मिल गए हैं? दिव्य अनुभूति हो रही है, हम लोग की अपने इन सजल नेत्रों से भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, अद्भुत आयोजन। और इसी अयोध्या को हम लोगों ने किस तरह से देखा है और आज किस तरह से देख रहे हैं, एक ऐसा समय था कि लोग अयोध्या आने से कतराते थे, लोग अयोध्या जानते नहीं थे कि अयोध्या है क्या चीज़, और आज पूरे विश्व में यदि कोई नगरी है, धर्म नगरी, जिसको सब लोग जानते हैं तो श्री धाम अयोध्या है। उसको हमारे यहाँ कहा गया मनु नाम मानवेंद्र या पूरी निर्मिता स्वयं, उसको महाराज मनु ने स्वयं अपने लिए बनवाया था, और इसीलिए इसकी बहुत ही महिमा है। हमारे यहाँ लिखा गया है कि समस्त तीर्थ ऐसे हैं, कहीं नहाने से मुक्ति मिलती है, कहीं जमीन पर मुक्ति मिलती है, कहीं आसमान में मुक्ति मिलती है, लेकिन अयोध्या एक ऐसी भूमि है जहाँ आप कहीं भी शरीर छूटता है व्यक्ति का, सीधे भगवान के धाम को व्यक्ति जाता है, ये अयोध्या की महिमा है। और अयोध्या में बगल में सरयू नदी है जो त्रेता युग से ही बह रही है, तो हम लोग बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज मोदी जी आएंगे और 22 जनवरी को हमारे रामलला में भी दिव्य स्वरूप में विराजमान होंगे, हम लोग बड़े आनंद। अयोध्या को अयोध्या जी बोला जाता है और सरयू नदी कभी नहीं सूखी, तो ये स्वयं भगवान यहाँ पर साक्षात है। ये बताइए 500 साल का इतिहास, इतने दंगे फसाद, इतने लोगों की आहूति, और न जाने कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने अयोध्या के लिए आहूति दी, तो कैसा लग रहा है? लेकिन देखिए अब राम जी आ गए, सत्य की जीत हो गई है, तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं? अच्छा अनुभव कर रहे हैं राम जी की कृपा से, और ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है जिन लोगों की यहाँ बलिदान हुआ है, जिन लोगों ने सेवा किया और अपना बलिदान दिया है, आज उनके बलिदान का जो शुभ अवसर था वो सार्थक हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे का उद्घाटन करेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, और 22 जनवरी को जैसे हम लोगों ने तो देखा नहीं भगवान कैसे थे उस समय, जन्म हुआ जब, लेकिन जब 22 जनवरी को रामलला जी विराजमान होंगे तो हम देखेंगे भगवान कैसे हैं, जिसकी कल्पना करते हैं। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या है, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और तस्वीरें बयां कर रही है अलग अलग संस्कृतियों को दिखा करके। रामलला आ गए, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को यहाँ पर क्रेडिट देते हुए लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये यहाँ पर हो पाया है कि अयोध्या जो उपेक्षित थी, अयोध्या जो यहाँ पर कभी गंदगी हुआ करती थी, अयोध्या लोग आते नहीं थे डर से कि न जाने कब दंगा फसाद हो जाए, लेकिन आज अयोध्या नगरी सज चुकी है, सड़कें सज चुकी है प्रधानमंत्री के स्वागत में, सड़कों की साफ सफाई हो चुकी है और देखिए यहाँ पर तमाम यहाँ जो सुविधाएं नहीं थी सुविधाएं एयरपोर्ट ले लीजिए और अयोध्या धाम के नए रेलवे स्टेशन को भी बनाया गया है, तो ये अद्भुत अलौकिक अयोध्या का दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो बने रहिए। जय श्री राम देव जी। ये बताइए महंत जी कि आज अयोध्या नगरी सज चुकी है और प्रधानमंत्री का आगमन बस कुछ ही पलों में होने वाला है, कैसा महसूस? ये हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई पहली बार ऐसा देश का नायक मिला है जो भगवान की पावन धरा श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कराना वो चल ही रहा है और देश की जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उनका उत्थान का काम कर रहा है और यही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है काम, इसके अलावा दवा डॉक्टरी के क्षेत्र में उसमें भी काम हो रहा है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया, एयरपोर्ट और देखिए आप दोनों को इतना सुंदर करने कभी ऐसा नहीं था, तो योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर के ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक और देश के किसानों से लेकर के सभी जनता जनार्दन तक, तो हम तहे दिल से जो हमारी संस्कृति जो हमारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए नायक बनकर के आए हैं ये हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हम भी उनका तहे दिल से पूरा अयोध्या वासियों के साथ स्वागत करते हैं। जी ये भी बताइए कि राम जी 500 साल के लड़ाई के बाद अब विराजमान हो रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि सत्य की जीत हुई है और जिस तरीके से आज अयोध्या नगरी पहले उजाड़ थी आज अयोध्या नगरी खिल गई है? पान जी देखिए सत्य यही है कि अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है, बाबर के नाम से नहीं जानी जाती है, तो अयोध्या में यदि किसी दूसरे देश के व्यक्ति का नाम चले तो अयोध्या भारतवासियों का अपमान था, लेकिन उन्होंने इसको बदला और अयोध्या में राम की अस्मिता को स्थापित किया और राम सनातन धर्मियों के रोम रोम में जन जन के कण कण में व्याप्त है, विवाह होता है तब राम, चैती गाते हैं तब राम, हर गीतों से लेकर के मरणोपरांत तक राम नाम सत्य हर कार्यक्रम होते हैं सब में राम का नाम है, तो राम तो हमारे रोम रोम में जन जन में व्याप्त हैं, इसलिए वो ये नायक मोदी जी सदी के महान नायक हैं, उनको सारी जनता अयोध्या की तहे दिल से स्वागत करती है। बहुत शुक्रिया बाबा जी। और बाबा जी अंत में ये भी बता दीजिए कि अयोध्या में जो विकास हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि रोजगार के महत्व को ये बढ़ाएगा? और देखिए बाबा जी अब देखिए विरोध में प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि मंदिरों में जाने से कुछ नहीं होता है, विपक्ष कह रहा है देश का, तो क्या कहेंगे? बाबा जी देखिए लोग कहते हैं विपक्ष कहे कि मंदिरों में जाने से कुछ नहीं होता है, फिर वो कहते हैं कभी कि वो जनेऊ धारु ब्राह्मण है, इस जनेऊ के बारे में उनसे पूछ दिया जाए कि उसमें कितने तंतु होते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है, धारण तो किए हैं लेकिन बता नहीं पाएंगे, तो उनको केवल लोगों को बरगलाना अटकाना और वोट लेना काम है, लेकिन मोदी जी ने जनता को फ्री राशन दिया, इसके अलावा अयोध्या पहले एकदम गंदी पड़ी रहती थी, अयोध्या को संवारा, अभी भी कुंडों पर काम, अभी सूर्य कुंड का दर्शन कीजिए जाकर के बहुत सुंदर बन गया है, ऐसे ही भरत कुंड बनेगा, यहाँ पर सैकड़ों कुंड हैं, सभी कुंडों का पुनर्निर्माण हो रहा है, राम पैड़ी कितनी अच्छी हो गई, लोग वाटर पार्क के रूप में आते हैं, स्नान करते हैं और किसी भी बहाने कहते हैं हम राम पैड़ी जा रहे हैं तो राम का नाम तो लेते हैं, तो हम ना हम बाबर का नाम लेंगे ना उन विरोधियों का नाम लेंगे, हम तो राम के हैं, राम का नाम। बहुत शुक्रिया आपका, जय श्री राम।